तो दोस्तों आज है 14 जनवरी 2024, कल 15 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक में हमने देखा बाजार पे बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिला, खास करके फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया था और क्लोजिंग भी दिया था उसके काफी नजदीक जाके 21,894 पॉइंट पे, करीब 1.14% तेजी के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेडिंग वीक पे जैसे मार्केट में इतना अच्छा रिकवरी देखने को मिला, क्या मार्केट ऐसा ही रिकवर करेगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा या यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी करेक्शन होगा? बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल इशूज़ फिर से दोस्तों क्रिएट हुआ है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। आप प्लीज़ अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आइए तो सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है, ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग वीक पे कुछ बड़े आईटी कंपनीज के रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल का। अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे ऐसे ही कुछ बड़े कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, कुछ बड़े बैंक्स का भी रिजल्ट आउट होगा, जिसमें देखिए निफ्टी 50 की कुछ मेजर कंपनीज एंड बैंक्स की नाम है, जैसे कि ऑब्वियसली लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का भी रिजल्ट आउट होगा, HDFC बैंक जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ICICI बैंक जैसे बड़े बैंक्स की, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे निफ्टी की जो टॉप 10 है उसमें ही ज़्यादा शामिल हमने देखा। इसको छोड़ के हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, LTI माइंट्री हो गया, ये सारे निफ्टी के शेयर है। IndusInd बैंक हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट से लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस, तो ये सारे जो मेजर कंपनीज़ हैं ये सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आउट होगा। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे वैरायटी कंपनी दोस्तों अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगा क्वार्टर 3 का, जैसे कि एंजल वन का हो गया, फेडरल बैंक का हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, जिंदल स्टील हो गया, LT टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब LTTS हो गया, आपके ऐसे बहुत सारी कंपनी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक में भी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आपको मैं जब टाइम टू टाइम दे दिया था, अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे जैसे ही ये सारी कंपनी का रिजल्ट आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, खास करके आप IREDA का भी रिजल्ट आउट हुआ कल रात में, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी पब्लिश किया। ओके, ये तो दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट समझ आ गया कि कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, बट एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज भी आउट होगा। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक में हमने देखा इंडिया का एक बहुत ही वैल्यूएबल डेटा CPI इन्फ्लेशन रेट आउट हुआ और इस बार थोड़ा सा इंक्रीज जरूर देखने को मिला, बट हाँ मार्केट का जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा नहीं हुआ बल्कि उससे कम हुआ। सेम चीज़ दोस्तों आपको, जैसे कि CPI इन्फ्लेशन एक हो गया, इस बार दोस्तों आउट होगा आपका WPI इन्फ्लेशन डेटा। तो WPI यानी आप बोल सकते हो इसको होलसेल इन्फ्लेशन, ठीक है, WPI इन्फ्लेशन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। ये डेटा आउट होगा 15 तारीख को, मतलब कल सोमवार के दिन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस बार भी तो इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन भी किया, अगेंस्ट इट वाज 0.26% नवंबर में था, इस बार थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकते, देखिए यहाँ पे मेंशन किया इंक्रीज फर्दर, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ ग्लोबल इकोनॉमी डेटा भी आउट होगा, ना केवल इंडिया के अंदर मतलब डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटास आउट होगा, जैसे कि चाइना, इंडिया की पड़ोसी देश चाइना का जो क्वार्टरली GDP ग्रोथ है वो भी आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक की 17 जनवरी के दिन, ठीक है। उसको छोड़ के और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा आउट होगा चाइना की तरफ से, इवन बाहर की जो देश है उनकी तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं US की जॉब डेटा हो गया, यूरोप की दिसंबर की इन्फ्लेशन नंबर हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा है ये आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे अपडेट आपको मैं जैसे कि रात की 10:30 के वीडियो में अपडेट देता था, सेम चीज़ दोस्तों मैं आपको रात वाली 10:30 की वीडियो में दे दूँगा। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, एकदम नॉर्मल चल रहा है। बात ऐसा है कि आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, 25 दिसंबर या तो उसके पहले ही, जब हमने देखा था कि रेड सी के अंदर हौती नाम करके जो एक संप्रदाय है लगातार अटैक किया जा रहा है और इसको लेके ना 2 देश, एक हो गया US और UK, काफ़ी सीरियसली ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, 11 तारीख को हमने देखा, 11 से 12 तारीख के भीतर जो कि उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, मतलब ये जो हौती नाम करके जो संप्रदाय है लगातार अटैक किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे शिप वगैरह या शिपमेंट वगैरह यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लिया पे जा रहा था उसके ऊपर अटैक कर दिया, और जिसके चलते मामला फिर से एक और बार गर्म हो चुका है। अलग अलग देश अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते एक्चुअली क्या होगा कि जो ऑयल प्राइस है ना, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर फिर से स्पाइक होने का चांस है, ये ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी बाजार उस टाइम पर क्लोज हो गया था, तो जिसके कारण इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला, बट आगे चल के आपको जरूर देखने को मिल सकता है, मतलब कल जब बाजार ओपन होगा अपडेट आपको मिल सकता है। तो खैर इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा अंत में बात करेंगे और डिटेल में आगे देखते जाइए, और कौन कौन सी की फैक्टर्स है, जैसे कि ऑयल की, जैसे कि अभी मैं आपको बोला था कि ये जो रेट सी वाली टेंशन की वजह से यार स्ट्राइक किया यूएस यूके ने, इसके ऊपर बेस करके थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि लास्ट फ्राइडे भी हमने देखा था कि ऑयल प्राइस बढ़ते बढ़ते $80 पर बैरल के आसपास, जो कि ब्रेंट क्रूड क्लोजिंग दिया था, और क्रूड ऑयल की बात करें $78.29 पर बैरल के आसपास क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो फिर से थोड़ा बहुत ऑयल के अंदर स्पाइक हो सकता है, बिकॉज ऑयल में अगर स्पाइक हुआ तो कहने के बहुत सारे सेक्टर, इवन आप बोल सकते हो कि 60-70% सेक्टर में तो इंपैक्ट आएगा ही। बाकी बात करें एफआईएस, तो यहाँ से भी दोस्तों कुछ अच्छा खबर नहीं है। जैसे कि हमने देखा अभी तक एफआईएस द्वारा लगातार खरीदारी देखने को मिला था इंडियन मार्केट में, वही अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग वीक पे टोटल 3,900 करोड़ के आसपास एफआईएस ने सेल करके निकल गया। ठीक है, और उसके साथ साथ डीएस ने देखिए यहाँ पे परचेस किया, वो अलग बात है, डीएस ने टोटल 6,858 करोड़ के आसपास शेयर परचेस किया, मतलब एफआईएस द्वारा फिर से लास्ट ट्रेडिंग वीक पे टोटल जो नेट वैल्यू है उसमें सेलिंग देखने को मिला। बाकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओस बाजार में लिस्ट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओस बाजार में ओपन होगा। ऑलरेडी दोस्तों एक बहुत शानदार प्रीमियम चलने वाला एक आईपीओ के ऊपर ऑलरेडी मैं आज सुबह संडे मॉर्निंग पे वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, रिक्वेस्ट करूँगा सबको, प्लीज़ इस वीडियो खत्म करने के बाद चैनल पे विजिट करके जरूर वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एनीवे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था। आइए अब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की फैक्टर तो हमने देख लिया, अभी हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, उसके साथ साथ रेट सी क्राइसिस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो देखिए डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसके कारण हमने देखा फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट में भले ही तेजी था, बट यूएस मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो, शुरुआत में पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसके बाद एकदम से गिरावट और पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव ही था उसके बाद से। ठीक है, और क्लोजिंग भी दिया था देखिए 0.31% गिरावट में। बट एट द सेम टाइम नैसडैक में भी देखिए कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे करते एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुआ। मतलब देखा जाए ये जो एयर स्ट्राइक किया है हौतीस के ऊपर यूएस और यूके द्वारा, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें यूएस की जो शेयर मार्केट है वहाँ पर देखने को मिल गया, जिसके कारण नैसडैक और डॉ जोन्स में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, जबकि होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सुबह में अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट एकदम पॉजिटिव ही था, चाहे इंडियन मार्केट की बात करें या एशियन दूसरे जैसे कि जापान की निक्के हो गया या साउथ कोरिया की कॉस्पी हो गया, ये सारे जो इंडेक्स है पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था इंडियन मार्केट की तरह। बट ये सारे मामला एक्चुअली बाजार क्लोज होने के बाद बिगड़ गया। राइट, उसके बाद बात करेंगे यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट नहीं है, तो जिस वजह से कोई चेंजेस नहीं हुआ। बाकी बात करें ब्रेंट क्रूड, दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट क्रूड के अंदर आगे तेज़ी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि मामला फिर से काफ़ी गर्म हो चुका है। आइए अब थोड़ा हम बात करेंगे रेट सी में क्या हलचल चल रहा है फिलहाल देखिए अलग अलग देश की नेता की द्वारा, मतलब जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिया। जैसे कि टर्की की जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि यूएस यूके टर्निंग रेट सी इंटू सी ऑफ ब्लड। अलग अलग देश की नेताओं ने अपना अपना बयान दिया है। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें यूके और यूएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर स्ट्राइक किया है फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे बीच में सुनने को आ रहा है इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब ने अभी ईरान विजिट में जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। बाकी बात करें इजराइल की जो टॉप इंडेक्स है ना टीए 35, जैसे कि आपको मालूम है कि इजरायली जो मार्केट है वो संडे के दिन भी ओपन रहता है, मतलब बेसिकली वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे क्लोज रहता है, संडे से फिर से न्यू ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है। ठीक है, तो अभी की अगर हम बात करें एकदम फ्लैट चल रहा है, शुरू में एकदम से गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवरी, अभी देखिए एकदम फ्लैट चल रहा है, ना कोई बहुत बड़ा तेज़ी ना कोई बहुत बड़ा गिरावट। अब देखिए आप अगर दोस्तों इस चैनल को फॉलो करते हो ना, आपको अच्छे से मालूम होगा जब ये जो इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हुआ था ना, आज से लगभग कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, मैं आपको वहाँ पर क्लियर कट मैसेज भी दे दिया था कि ये जंग अगर जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ ना, इसके थ्रू बहुत सारे और भी ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो सकता है। आपके प्राइम एग्जाम्पल देखिए सामने अभी रेड सी क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है। ठीक है, ना केवल यहाँ पे इंडिया हो, हर एक कंट्री को आएगा। ठीक है, तो जिसके चलते आई थिंक ये सारी जो जंग है, वॉर है, इसको ख़त्म होना चाहिए जल्द से जल्द, अदरवाइज़ बहुत सारे, अभी तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे ग्लोबल जो क्राइसिस है आगे आपको शुरुआत होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी दोस्तों बाजार कल किस तरह मूव करेगा या कहाँ पे मतलब कितना गिरेगा, ऊपर जाएगा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आज रात की 10:30 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रात में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी रहेगा, लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा आज रात की जो 10:30 की वीडियो वो मिस मत करना, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, उसके पहले भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।